हमारे पास मौजूद हैं वारिस बेग साहब के साहबजादे मारूफ वारिस। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, जबरदस्त। वेलकम टू गियर अप। और रेंज रोवर के बारे में जानने के लिए वही बंदा हमें चाहिए जो कि इस गाड़ी को रोज एज अ डेली ड्रिवन कार यूज करता है। मारूफ भाई, पहले तो ये बताएं कि ये गाड़ी कितनी देर पहले ली है? ये मुझे हो गया तकरीबन 2 महीने हो गया इसको लिए। 2 महीने मतलब कि अभी तो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। और इसका कलर कॉम्बिनेशन है, यूजुअली आपको रेंज रोवर L405 जो इसकी जनरेशन है, जो कि 2013 से आई थिंक 2021 के आसपास तक। जी बिल्कुल, फिर नया मॉडल है अभी। बिल्कुल, तो उसमें आपको ये ग्रिल जो है वो स्टैंडर्ड नहीं मिलती, तो ये आई थिंक मेड टू ऑर्डर। जी सर, इसकी बेसिकली दिस इज़ लाइक, ये पूरी गाड़ी जो है ये बाहर से ही जब इम्पोर्ट होके आई थी, तो इसको सारी किट्स वगैरह जो, ये पूरे लाहौर में पाकिस्तान में 2-3 गाड़ियाँ जिनको ये किट लग के आई है, वरना ये बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी आती है। इसकी जो फ्रंट बम्पर्स है सारे, साइड वगैरह और पीछे का जो है सारा कुछ है, इसका वो मैं देख रहा हूँ। रेंज रोवर वैसे ही एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट SUV है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा जो है वो कमाल और ज़बरदस्त लुक दे रही है। कलर कॉम्बिनेशन में गाड़ी की लीग ही जो है ना, वो रेंज रोवर की लीग भी एक अलग लेवल पे ले गई है। ब्लैक एंड वाइट द मोस्ट यूनिवर्सल कंट्रास्ट, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द ब्लैक एंड वाइट। बिल्कुल। और इसके अंदर जो साइड इसकी है वो साइड स्किर्ट्स वगैरह वो भी शुरू से आए हुए हैं। जी जी, सब कुछ इसका मैंने, इसको कुछ नहीं, ऐसी ही इम्पोर्ट ही ऐसी थी बेसिकली। आपके पास इससे पहले पोर्शा थी? जी मेरे पास पोर्शा थी। कायान। और उसके और इसके अंदर क्या कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये सेम जनरेशन सेम एरा। देयर इज नो कंपैरिजन, दिस इज 5.0। पहली बात तो ये पाकिस्तान में 5.0 बहुत थोड़ी गाड़ी है। जी। और ये 5 और 10 इसकी हॉर्स पावर है, 510 हॉर्स पावर, मतलब ये भला इट्स ए ह्यूज कार। एंड ये 0 to 60 4.7 सेकंड्स में इसका, इतना बड़ा दहूश। हाँ, और ये इतना बहुत तेज जा रहा है। इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, गाड़ी की ड्राइव है, आई लव इट। मैं इसको रोज चलाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ मैं इसी पे जाता हूँ। इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन है, वो अभी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, आराम से गाड़ी अपने हिसाब से तकरीबन 1 फीट ही ऊपर आ जाती है और नीचे भी और नीचे चली जाती है डिपेंडिंग ऑन द टेरेन। बिल्कुल। अपने व्यूअर्स को मैं ये बताता हूँ राइड हाइट से क्या फर्क पड़ता है। जितनी राइड हाइट नीचे होती है गाड़ी हमेशा उतनी स्टेबल होती है, तो गाड़ियों में एयर सस्पेंशन की ऑप्शन इसलिए दी जाती है क्योंकि उसकी सस्पेंशन जब एडजस्ट होती है, अगर आपने टफ टेरेन पे जाना है, मतलब कि पहाड़ी इलाकों पे जाना है, पत्थरों पे जाना है, रेत पे जाना है, तो उस गाड़ी की हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने हाईवे पे ट्रैवल करना है, क्रूज़ करना है, तो उसकी हाइट डिफरेंट नीचे होगी ताकि आपको हायर स्पीड पे ज़्यादा स्टेबिलिटी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो पहले बताइए चॉइस किसकी थी? ये वाइल्ड बाइक की थी, आपकी थी? चॉइस गाड़ियों की मैं करता हूँ, गाड़ियों की चॉइस में बहुत करता हूँ। मैंने सुना है फैमिली में सबसे टची आप हैं गाड़ियों के मामले में। सारी गाड़ियों की चॉइस मैं ही करता हूँ, फिर ये लोग ले लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैंने सुना है कि मेंटेनेंस वगैरह आप बड़े दिल से करते हैं। मेंटेनेंस भी धोता भी मैं खुद हूँ गाड़ियाँ अपनी सारी, यार लड़कों के साथ। जी जबरदस्त। मेंटेनेंस मैंने अपना घर में प्रॉपर मैकेनिक रखा हुआ है जो मेरी सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस वो करता है। मैं इनको कंपनी में नहीं बेचता, मैं इसकी सारी खुद मेंटेनेंस करता हूँ। पार्ट्स वगैरह चाहिए होते तो हम लोग बाइक से मंगवा लेते हैं। जबरदस्त। तो हर चीज़ हम लोग इसकी खुद करते हैं, कोई भी गाड़ी हो। ये है ट्रू कार लवर। सिर्फ ये नहीं है कि आप जस्ट पे फॉर द कार, इंजॉय किया, यूज़ की। जो असल में लोग गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं उनकी ज़िंदगी, वो गाड़ी को एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं। और ये उनमें से मारूफ भाई एक है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि आपका कनेक्शन जो है दैट इज़ ट्रू टू योर कार। बिल्कुल बिल्कुल।